नमस्कार। आज एक नई सीरीज चालू हो रही है जहाँ पे हम दो तीन मंदिर हैं जो जानते हैं वहाँ के वीडियोज बनाएंगे। तो वहाँ का रास्ता कैसे है और सब चीज़ें क्या हैं वो सब आपको आने वाले वीडियोज में पता चल जाएगा। तो वो मैं गोप्रो को पूरा अरेंज कर लिया, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गोप्रो को आज मैं ऐसे ले जा रहा हूँ क्योंकि पापा जी बाइक ड्राइव करेंगे आगे, तो मैं पीछे बैठ के, पहले क्या था कि यहाँ पे लगा लेता था, अब लगा नहीं सकता क्योंकि मैं आगे बैठ कर ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, पापा करेंगे। सो इसलिए मुझे पीछे से चाहिए होगा ऐसा करके देखने के लिए, और तो देखूंगा कितना ऊंचाई से ले सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा व्यू आएगा। सो फर्स्ट टाइम ये भी रहेगा मेरे लिए, लेट्स सी कैसा रहता है। साउंड शायद उतना अच्छा ना है लेकिन मैं ट्राई करूंगा बीच बीच में बोलने का, साउंड अच्छा आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो पूरा रास्ता हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे। बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहता है, ब्लॉग कैसा रहता है। आपको आज एक नए मंदिर दर्शन कराने जा रहे हैं, लगभग हम लोगों ने 450 मंदिर के आसपास कर लिए हैं। मतलब मेरे लिए तो एक तरह से ये बोलते हैं ना असंभव चीज है, और मैं कर रहा हूँ केवल और केवल, मतलब एक तरह से पता नहीं कहाँ से मोटिवेशन आ रही है, लगातार होते जा रहे हैं, ये अलग में ही सब कुछ है। सो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और सपोर्ट करने के लिए इस चीज को ना केवल और केवल मैं आपसे एक विनती करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बस। क्योंकि मैं ऐसे ही देख रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, केवल केवल 2% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, 98% दिखाता, 98.4% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया जो मेरे वीडियो वॉच करते हैं। सो ये देख के थोड़ा अजीब लगा मुझे, मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ इस पर। तो आप सबसे मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिए जिससे पता चले मुझे कि कितने लोग देख रहे हैं मुझे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं और कैसे जाना है, कहाँ जाना है, और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। सियावर रामचंद्र की जय, जय माता दी। तो अब हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब अभी गाड़ी तैयार हो गई है, बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये है मिस्त्री मार्केट, यहाँ पे जो भी आप घर बनाते हैं तो वो इसको बेसिकली लोग कहते हैं लेबर मार्केट, लेकिन इसमें दोनों आपको मिल जाएंगे, लेबर और मिस्त्री दोनों, जो भी वहाँ पे जो घर बनाने में लोग चाहिए होते हैं, मिस्त्री मिल जाएंगे, लेबर मिल जाएंगे। पावर हाउस और सामने यहाँ पे है मन की मंदिर इस साइड। ये है पनकी पड़ाव का ओवरब्रिज, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये इस साइड से आगे जाना है, बहुत ही रनिया का रास्ता है।
है। इसी मंदिर के पास से हम लोग सर्विस लेन पे आ जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर। ये जीटी रोड के जस्ट बगल में ही मंदिर है, तो थोड़ा शोर आ रहा होगा। अंदर चलेंगे तो बिल्कुल शांति रहेगी, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। ये एक तरह से एक आश्रम है, ठीक है। सो इसमें मंदिर भी है आश्रम भी है, तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं मंदिर में जो भी मूर्ति स्थापित है वहां के, और हम भी दर्शन करते हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय। So, मंदिर बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है, श्री संत स्वयं सिद्ध रामदास बाबा संत आश्रम। So, चलिए चलते हैं अंदर। So, ये रास्ता है और ये आश्रम है। यहाँ पे आपको माँ काली के दर्शन होते हैं। जय माता, जय माँ। माफी चाहता हूँ, ये काल भैरव के आपको दर्शन होते हैं। जय भैरव बाबा, जय। और भैरव बाबा के समीप ही आपको कालिका माँ काली के दर्शन होते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जय माँ काली। आइए माता के दर्शन करने के बाद परिक्रमा कर लेते हैं। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। जय माँ, ये माता रानी दर्शन करने के बाद आगे चलते हैं, पूछते हैं इस आश्रम के बारे में, जानते हैं कि आश्रम किनका है और क्या है यहाँ पे। साहिब श्री जी, यहाँ से आने के बाद काल भैरव और माता काली जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आपको बजरंगबली भगवान के दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु, जय हो, जय बजरंगबली भगवान। जय हो, जय हो। बहुत ही साफ रखा गया यहाँ पे। जय बजरंग, जय बजरंगबली भगवान, जय बजरंग। बहुत ही शाश्वत, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखा गया। जय बजरंग। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी हैं जो यहाँ के मेन पूरे आश्रम का ध्यान रखते हैं, तो उनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि मतलब इस मंदिर के बारे में और आश्रम के बारे में जो वो बताना चाहें। पंडित जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपना नाम प्रथम बता दीजिए। अच्छा, पहली बार तो हम पुजारी हैं यहाँ के, पंडित जी नहीं हैं। हाँ, मेरा नाम कुंवर बहादुर। ये जो आश्रम है ये कितने साल पुराना है? ये करीब 22 साल पुराना है। इस आश्रम के बारे में जो भी आपको मतलब बताना चाहें वो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं। ये रामानंदी संप्रदाय का आश्रम है, 13 भाई त्यागी हमारे गुरुजी संत थे, उन्होंने यहाँ तप किया, तब से आश्रम तैयार हो गया। अब ये संत सेवा आश्रम है, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया है, संत आते हैं आप अयोध्या से, वृंदावन से, काशी से, तो संत सेवा का ही काम चलता है।
यहाँ कैसी सेवा जो आपने बताया, जैसे कि अयोध्या से कोई लोग आते हैं उनके कुछ अगर आप बताना चाहें सही से? नहीं तो भी तो यात्रा में होते हैं ना संत, कोई रुकते हैं आश्रम, इसीलिए होता है ना, कोई आ गया साधु ब्राह्मण उनकी सेवा के लिए होता है, रात्र विश्राम किया सुबह चले गए, बस यही सेवा है। तो उनसे जैसे आपने बताया कि कोई भी चंदा या कुछ भी नहीं लिया था? यहाँ चंदा फर्ची कभी नहीं होता है, एक पैसा भी कभी चंदा गुरुजी ने नहीं लिया ना, क्योंकि तो चंदा संत चंदा नहीं कराता ना, संत भिक्षावृत्ति नहीं करता है ना, तो ये संत का आश्रम, त्यागी महात्मा का आश्रम है, संत कभी मांगते नहीं है, जो मांगते हैं वो संत नहीं होते हैं ना। हाँ, संत तो देता है ना, दातार है वो, संत दातार होते हैं, वो भिक्षावृत्ति थोड़ी करते हैं। मैंने स्पेशली पूछा कि पैसों के लिए, उसका रीज़न यही था कि जब मैंने पुजारी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो भी, जैसे कि आप कांवर यात्रा कर रहे हैं कोई संत या कुछ भी कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आके विश्राम कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे कुछ भी पैसे ऐसे नहीं लिए जाते हैं। तो मतलब एक ये कार्य जो है ना, ये स्वयं में ही बहुत बड़ा है, सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप खुद जानते हैं, किसी भी अनजान लोग को ही मैं अगर बोल दूं, आप कभी भी अपने घर पर रुकवाएंगे नहीं, आप दहलीज नहीं पार करवाएंगे, और यहाँ पे लोग उनको रात्रि में ठहरने की व्यवस्था करते हैं, वो भी मुफ्त, ठंडी में आए गर्मी में आए जब भी आए जैसा भी रहे सब कुछ, तो जो भी व्यवस्था करनी होती है वो स्वयं होती है यहाँ पे। तो यही एक तरह से बोल सकते हैं आप, सत्य और संतों का जो आचरण होता है ना वो यही होता है। सो ये एक चीज़ थी जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, यहाँ सारे पेड़ लगे हुए हैं और ये सब लोग हैं यहाँ पे। तो इस आश्रम की तीन शाखाएं बताई जा रही हैं, एक राजस्थान, एक कोटा और एक कहाँ पे, झालावाड़ में और एक इंदौर, इंदौर में। सो ये चौथा है ये, और तीन जगह वहाँ पे हैं। सो यहाँ पे जो आप मतलब, तो मेन इस टाइम पे वो राजस्थान में वहाँ रहते हैं ना, वो संत, वो संत जो मेन है वो वहाँ पे राजस्थान में रहते हैं, उनकी शाखाएं खोली गई कई जगह कि जो भी संत महात्मा यहाँ से गुजर रहे हैं वो यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, जो स्वयं में बहुत बड़ी बात है कि मतलब आप अच्छे कार्य के लिए अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हो। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं और ऐसे संत समाज की सहायता करके ही आप लोग कुछ चार पांच लोग मिलके अगर ऐसी कुछ योजना पे काम कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं इसी पे ही आप इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आगे चल के आगे भी वीडियो बनाएंगे और इस जर्नी को स्टार्ट रखते हैं और मंदिर दर्शन कराएंगे। जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, ओम नमः शिवाय। ये साहिब सीताराम जो गुरु जी हैं, ये उनकी गाड़ी है, उस पर गाड़ी भी देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, प्रेम से बोलो सीताराम।